हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पहले जो पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इनमें 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, आप उनको देख सकते हो। लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है हमारे पास। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में ही देखेंगे। बेसिकली अगर a1 dn y अपॉन dx n प्लस a0 है, इसको a1 d की पावर n माइनस 1 y अपॉन dx n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an y इक्वल टू कुछ sin x या cos x कुछ फंक्शन ऑफ qx। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बट हम जो पढ़ रहे हैं वो ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। बेसिकली इसका फॉर्मूला होगा dy अपॉन dx प्लस px q इक्वल टू r, px y इक्वल टू rx, ये होगा हमारे पास। यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा फैक्टर जिसकी फॉर्म से ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाते हैं। यानी ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों तरफ, तो उसका सॉल्यूशन आ जाए। सपोज इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया जो होता है, सो फॉर्मूला होता है e टू द पावर px ऑफ dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब यहां से जब e टू द पावर px dx निकाल लेते हैं तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से हो जाता है हमारे पास dy अपॉन dx e टू द पावर px dx को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस px e टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स। अब ये हो गया। अब फिर से इस टर्म को हम ध्यान से देखें तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स वाई डॉट ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका हम यू डॉट पी से करेंगे, सपोज हम पहले वाई का कर रहे हैं इसको छोड़ के, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। जब वाई को करेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। जब इसका करेंगे वाई को छोड़ के, तो हमने वाई को छोड़ा, इसका किया तो इसका करेंगे तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन पी एक्स ऑफ डी एक्स से करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ओनली पी एक्स आ जाएगा, तो ये पी एक्स आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू आर एक्स e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी एक्स ऑफ डी एक्स, ये है हमारे पास। अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा, e डॉट e टू दी पावर पी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स e टू दी पावर पी एक्स ऑफ डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम कहें इसका फाइनल जो सॉल्यूशन आया वाई बराबर ई टू दी पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, यानी ई टू दी पावर माइनस पी एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो वन हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि ये हमारे पास ये ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पी एक्स डी एक्स आएगा, तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में इसका ये टर्म आएगी, तो यहाँ पे वो e टू दी पावर जीरो बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो ये इधर इस साइड e टू दी पावर माइनस पी एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई आर एक्स e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये इसका हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। तो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं,
इनको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इस एग्जांपल में वही लेता हूं जो क्वेश्चंस कभी बार पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में लेता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसमें ये एग्जांपल लेते हैं, 1 + y² dx प्लस टेन इनवर्स y माइनस एक्स प्लस इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स ऑफ dy, ये है। फिर ये हम ये एग्जांपल है, इसको हम बाद में लेंगे, पहले एक दूसरा एग्जांपल इसे सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये एग्जांपल है और पहले जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे पास sec x dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस sin x, ये है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec x का दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, sec x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन sec x, तो sec x हो जाएगा cos x, ये cos x डॉट y प्लस और ये हुआ sin x डॉट cos x। अब इस टर्म को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx माइनस cos x डॉट y इक्वल टू sin x cos x। अब फिर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे p इससे कंपेयर करते हैं, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू क्यू, तो इसे कंपेयर करते हैं तो यहां से पी बराबर क्या है हमारे पास माइनस कोस एक्स, पी बराबर माइनस कोस एक्स है तो इसे इंटीग्रेटिव फैक्टर हम यहां से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर जो आ जाएगा e टू द पावर माइनस कोस एक्स डी एक्स, तो माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस साइन एक्स, ये से इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया फ्रेंड्स। अब ये से इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया तो हमें सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं बाद में, इसके बाद जो हमने मेथड में पढ़ा था वाई डॉट यानी इंटीग्रेटिव फैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, बेसिकली हमारे पास ये टर्म होती है तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई डॉट ई टू द पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिव फैक्टर का मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, ये हो गया। और आर एच एस साइड में जो था साइन आर एच एस साइड में क्या था साइन एक्स डॉट कोस एक्स था और प्लस डी एक्स प्लस सी, तो यहां से ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से इसको इंटीग्रेशन करने के लिए लेट साइन एक्स या तो साइन एक्स ले लें या माइनस साइन एक्स बराबर टी, माइनस साइन एक्स बराबर टी लिया तो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये हो जाएगा। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी, ये तो माइनस साइन एक्स टी हो गए और साइन एक्स की जगह हमें क्या चाहिए माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस कंडीशन माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा टी, यानी इसकी जगह हम रिप्लेस करके टी लिख सकते हैं और माइनस कोस एक्स डी एक्स जो था उसकी जगह हो जाएगा हमारे पास डी टी, तो माइनस का साइन हट जाएगा डी टी, ये आ गया हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यू डॉट वी रूल से भी हम देख सकते हैं और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हम लिखते हैं, बेसिकली डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका टी माइनस वन ई टू द पावर टी। अब इसी अगर t की वैल्यू पुट करें तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस वन, दोनों में माइनस अगर कॉमन ले लें तो अंदर प्लस आ जाएगा
और e टू द पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी, यानी वाई e टू द पावर माइनस साइन एक्स बराबर ये आ गया हमारे पास। बट वाई बराबर चाहिए तो हमें e टू द पावर माइनस साइन एक्स को दो, सो e टू द पावर साइन एक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सी e टू द पावर साइन एक्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैंने ये एग्जांपल क्यों छोड़ा था, यहां से अब समझ में आ जाएगा क्यों मैंने इस एग्जांपल को छोड़ा था पहले के लिए। मैं पहले में उसको भी सॉल्व कर सकता था बट उसको मैंने लीव किया और पहले इसको समझा। इसको समझने की जो वजह थी फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो उसमें हमारे पास वाई वाले टर्म आई थी, यहाँ पे एक्स वाले टर्म आई है, तो यहाँ पे हमें डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना होगा, यानी इसको बनाना होगा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई तो यहाँ से नीचे आया और ये हो गया हमारे पास वन प्लस फाइव स्क्वायर के अंदर डिवाइड किया तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। यानी डी एक्स अपॉन डी वाई का जो आइडिया आया कि डी एक्स अपॉन डी वाई का आइडिया वो इस एक्स की वजह से आया, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस तरह का फॉर्म चाहिए होता है बेसिकली जो हमने जनरल मेथड पढ़ा था। तो इसमें अगर हम देखते तो वाई ऐसा मिल नहीं रहा था बट यहाँ पे एक्स ऐसा मिल रहा है, तो हमने डी एक्स अपॉन डी वाई बनाया प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, जहां पे पी और क्यू जो है इस कंडीशन में वाई के फंक्शन है, यहाँ पे पहले एक्स के फंक्शन थे, तो ये चेंज हो गए इस तरह से। ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसको एक्स अपॉन इस वाले टर्म को ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब यही वही फॉर्म है हमारे पास ये वाली, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर बनाने के लिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी पर डी वाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई। तो यहां से अगर इंटीग्रेशन करना चाहे तो ये हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन, सिंपली टेन इनवर्स होता है e टू द पावर टेन इनवर्स वाई, ये हो गया प्लस सॉरी अभी सी नहीं जोड़ेंगे, ये हो गया इंटीग्रेटिव फैक्टर इसका। तो सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो हम इसका सॉल्यूशन यहां से लिख सकते हैं, e टू द पावर टेन इनवर्स y डॉट x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i इंटीग्रेटिव फैक्टर जो e की पावर टेन इनवर्स y, और राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, वो था टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ये था फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे पास, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली tan इनवर्स y को t मान लेते हैं, tan इनवर्स y को t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वल टू ये होगा e टू द पावर टी डॉट टेन इनवर्स वाई को हमने टी माना टी, और ये हो गया हमारे पास वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर जो ये टर्म थी, ये वाली टर्म अगर यहाँ वन का मल्टीप्लाई मान लें तो ये हो जाएगा हमारे पास जी टी। तो ये हो गया हमारे पास टी माइनस वन ई टू द पावर टी, अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो टी की वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर टेन इनवर्स सॉरी यहां से टेन इनवर्स वाई माइनस वन ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। तो यहां से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं एक्स डॉट ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस वन ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब e टू द पावर माइनस टेन इनवर्स वाई का मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस वन, और ये e टू द पावर माइनस टेन इनवर्स वाई का मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म वन हो जाएगी प्लस सी e टू द पावर माइनस टेन इनवर्स
वाई। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। थैंक यू फ्रेंड्स। बेसिकली हमने